TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम कबीर। बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हारे सर की मसाज करते हैं? नहीं नहीं, हमारी पीठ दर्द हो रही थी सर। नहीं, वैसे तुम्हारा दिन कैसे रहा? हमारा दिन तो बहुत अच्छा गया। तुम जानते हो, हमने अलीना को ट्यूशन देना भी शुरू कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके स्कूल के एग्जाम्स भी करीब है ना, बहुत अच्छा सारा। हाँ लेकिन कबीर, हम उसे सिलेबस के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम तो उसे। खैर ये बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? हमारा दिन? हाँ बहुत ही बुरा। कभी कभी तो दिल करता है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी वापस चले जाएं। सच में तुम्हें याद है कभी, जब हमारा वीडियो वायरल हुआ था, तब अब्बा ने हमें यही सलाह दी थी कि तुम यूनिवर्सिटी वापस चले जाओ। यूनिवर्सिटी से पढ़ने वालों को ना दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाता है। मुकाबला छोड़ के भागने वालों के लिए यूनिवर्सिटीज में कोई जगह नहीं होती है। लेकिन जीनत, हम बस ये, आप खामखा परेशान हो रही हैं। आप चाय पीजिए। शुक्रिया। अरे हम अलीना की शादी थोड़ी ना कल कर रहे हैं जो उसकी पढ़ाई में हर्ज होगा। हम तो बस ये चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को मिल ले, पसंद कर ले। लेकिन अलीना क्या चाहती है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। क्या बात है, सुबह सुबह किसकी शादी की बात चल रही है? अलीना की शादी की बात। ये किसका आइडिया था? अलीना की तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, शादी कितनी क्या चल पाती है? ये बात हमने छेड़ी है ज़ारा। और हम कहाँ उसकी पढ़ाई मार रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, मंगनी की रस्म हो जाए। शादी तो 2-2.5 साल के बाद है, अभी थोड़ी ना। भाभी 2-2.5 साल बहुत लंबा वक्त होता है, और इतने वक्त में अलीना की दुनिया भी तो बदलेगी ना। आप जानते भी हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं। हम अलीना को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं, और हमें लगता है कि ये तरीका तो उसके हक मारने जैसा है ना।